दर्शकों के प्रिय दर्शकों को नमस्कार। जी हाँ, इस वक्त पेश हैं राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता देंगे बड़ी खबर आ रही है, जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में एक टीचर की घटिया हरकत सामने आई है। स्कूल के NCC टीचर ने सात्रा के इंस्टाग्राम ID पर अश्लील मैसेज भेजे हैं। टीचर स्टूडेंट पर लगातार होटल में मिलने और शाम को शराब पीने के लिए बुला रहा है और दबाव डाल रहा है। आपको बता दें कि ये स्कूल सबसे बड़ी स्कूलों में आती है। सेंट जेवियर्स स्कूल की गिनती राजस्थान के सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल स्कूलों में होती है। आपको बता दें कि यह मामला स्कूल के पूर्व स्टूडेंट तक पहुंचा तो टीचर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया। कैंपेन में स्टूडेंट्स ने टीचर के मैसेज को सार्वजनिक कर दिया। टीचर की इस करतूत की जानकारी शुक्रवार को एक संस्था को लगी तो अशोक नगर थाना में इसकी शिकायत भी की गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि अब रसोई में दिखेंगे हल्के सिलेंडर। पेट्रोलियम कंपनियों ने बाजार में उतारे फाइबर ग्लास के कंपोजिट सिलेंडर। 10 किलोग्राम गैस के लिए देने होंगे 636 रुपये। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की काम की खबर है। पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के नए मॉडल को राजस्थान के बाजार में उतारा है। ये रसोई गैस सिलेंडर साइज में छोटे होने के साथ हल्के भी हैं, जिसको घर में मौजूद महिला आसानी से उठा पाएगी। इस सिलेंडर का वजन लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG भरने के बाद 16 किलोग्राम होगा, जो सामान्य लोहे के सिलेंडर के वजन की तुलना में आधा है। नए लुक वाले फाइबर ग्लास सिलेंडर को कंपनियों ने कंपोजिट सिलेंडर का नाम दिया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत का योगी सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर योगी सरकार पर फिर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि UP के CM को चाहिए था कि वे विपक्षी पार्टियों के लोगों के जाने की सुरक्षा की व्यवस्था करते। यूपी ऐसा प्रदेश बन गया है जहां विपक्षी पार्टियों को रोकने की परंपरा बन गई है। सरकार की जैसी मंशा होती है वैसा पुलिस काम करती है। गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की पहले की स्पीच को सबने सुना था। इसमें जनता को खुलेआम कह रहे थे कि मंत्री बनने से पहले मैं क्या था, ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि सब भाग जाओगे। जो जनता को इस तरह की धमकी दे रहा है उसके बाद जो कुछ हुआ वो उनके सामने है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ बोले तुरंत इस्तीफा दें ऊर्जा मंत्री कल्ला। BJP के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की बिजली विभाग के मंत्री डॉक्टर BD कल्ला से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पैदा हुए बिजली की भीषण संकट के हालात की वजह से राज्य सरकार का मिस मैनेजमेंट और गलत नीतियां हैं। आरोप यह है कि राज्य सरकार ने समय पर कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं किया है। इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी थी कि जो सरकार ने है बिजली कंपनियों को पेमेंट नहीं दिया, वो बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर भी बैठे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन के लिए 11 अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक फर्स्ट फेज के एडमिशन भी होंगे। राज्य के प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट्स पर इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब 11 अक्टूबर से इसके लिए फॉर्म फिलिंग शुरू होगा और 28 नवंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के बाद प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन शुरू किया है। ये काम इतने विलंब से हो रहा है कि आधा सत्र भी बीत गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे ही चुनाव प्रसार किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के चलते आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश दे दिए हैं, जिसके मुताबिक पश्चिमी बंगाल में हुए आम चुनाव जैसे ही नियम राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में भी लागू कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि LPG गैस के दाम 900 के पार, जनता दुखी और शुभ सरकार। अब रसोई में गृहणियों को सस्ती गैस का इंतजार है। पेट्रोलियम कंपनियों की लगातार दाम बढ़ोतरी से 900 रुपये प्रति सिलेंडर की पार पहुंची कीमत, जिससे गृहणियों की हालात नाजुक हो गई है। वहीं प्रदेश में रसोई तक सस्ती PNG पहुंचाने का सपना भी लेटर लिपि में फंस गया है। बीते 16 वर्ष से पाइप के जरिए रसोई में सस्ती गैस की बातें खूब चली हैं, लेकिन शहरों में आपूर्ति का ठेका लेने वाली कंपनियां और अभी इंतजार की बातें कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि लोक कल्याणकारी होने का दावा करने वाली केंद्र और राज्य सरकार भी महंगाई के इस मंझधार में फंसी जनता को राहत देने की कोई दखल देती नजर नहीं आ रही है। केंद्र कंपनियों को ठेका देकर भूल गई और अब राज्य में भी सरकार ठेकेदार कंपनियों से जल्द काम शुरू करवाने को लेकर एक्शन मोड में नहीं दिख रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली संकट का 9वां दिन, 10 दिन और रह सकता है बिजली संकट।
राजस्थान में बिजली संकट का शनिवार को नवा दिन है। बिजली कटौती की मार लगातार बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि कोयले की कमी लगातार बढ़ती गई तो ये संकट अगले 10 दिन तक जारी रह सकता है। उधर त्योहरी सीजन में रोजाना कई घंटों की बिजली कटौती से आमजन का काम धंधा सौपट हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, संकट बढ़ा तो ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में कटौती का समय भी बढ़ाया जा सकता है। ये बात अलग है कि ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी एक्सचेंज से 10 से 14 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद कर व्यवस्था बनाने के दाम बात कर रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि एक तरफ तो रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। पेट्रोलियम कंपनियां लगातार अपने दाम बढ़ाते जा रही हैं। आपको बता दें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने 9 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दाम और जारी कर दिए हैं। शनिवार को भी डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि शनिवार को पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।